नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूँ यति आपके साथ। हम आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में। आप देख सकते हैं शाम का समय हो रहा है, किस तरीके से भीड़ जो है लोगों की, वो आप देख सकते हैं, लोगों का जो हुजूम जिसको कह सकते हैं वो दिखाई दे रहा है मेले में। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं। हम आज आपको एक ऐसे ही दुकान के बारे में बताएंगे जहाँ पे हाथ से, जी हाँ, आपको बता दें हम कि यहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे हाथ से वुलन की कारीगरी होती है। वुलन के स्वेटर, शॉल, जो भी चीज़ें हैं वो बने बनाए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। आइए हम दुकान की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जो यहाँ पे किस तरीके से बनते हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम किशोर सहनी। तो भैया ये क्या है, मतलब खास, मतलब देखने में तो काफ़ी ये लग रहा है आकर्षण जैसा लग रहा है मशीन, और ये सब आप बताएंगे इसके बारे में हमारे दर्शकों को। ये स्वेटर बनाने का मशीन है, हम लोग पंजाब से लाए हुए हैं। अच्छा, आप लोग पंजाब से लाए हैं इसको? तो आप लोग यहीं पे हैं, यहीं के हैं प्रॉपर, या फिर आप लोग बाहर से आए हैं? बाहर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ हर साल बुक इसी में रहते हैं आप लोग। तो भैया ऐसा हुआ है, मतलब क्या कुछ बनता है आपके यहाँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ स्वेटर बनता है, मोफलर बनता है, टोपी बनता है, कार्डिगन बनता है, क्या कहता है, ब्लाउज बनाते हैं, सब कुछ उलेन का होता है। मतलब 100% उसमें उलेन, बस ऊन जो लगता है वही होता है। तो मतलब आपके यहाँ कारीगर होंगे अंदर जो काम करते होंगे? तो क्या क्या प्राइस है आप हमारे दर्शकों को बता देंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। ₹1000 से लेके 150 तक का सामान बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब औरतों के लिए जैसे आप कुर्तियाँ बनाते हैं तो वुलन कुर्तियाँ होती हैं, वो प्योर वुलन होती हैं, तो उसका प्राइस क्या है आप बताएंगे? ₹1000 से लेके 800-900 तक का। 800 तक का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे आप देखिए ये मशीन से जो है ये स्वेटर बना रहे हैं हम अंदर। आप देखिए यहाँ पे भी ये है जो ये मशीन से बना रहे हैं, हम कहेंगे आप थोड़ा दिखाइए कैमरे के माध्यम से इधर मशीन में किस तरीके से ये काम हो रहा है, आप ये थोड़ा दिखाइए। आइए हम अंदर आपको लेके चलते हैं, अंदर भी थैंक यू। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है ऊन वगैरह होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये सब पंजाब से आते हैं, यहाँ के जो ओनर हैं ये आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये पंजाब वर्धमान से ये सारे ऊन जो हैं वो आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हरे कलर के, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गोले के आकार में ये बनाए हुए हैं। आप देखिए इन सब का अंकल प्राइस क्या होता होगा आप बताएंगे, मतलब जैसे आप लोग लेते हैं तो आप लोग ये किस भाव से लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं? ₹1000 किलो है ये। किलो के हिसाब से आप लोग लेते हैं? ₹1000 किलो से लेते हैं आप लोग। तो ये मतलब स्पेशली ये सोनपुर मेला को लेकर के आप लोग यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं या फिर आप 12 महीने यहाँ पे रहते हैं? नहीं, ये स्टॉल लगाते हैं सोनपुर मेला, सोनपुर मेले को लेकर के, मतलब विशेष तौर पे सोनपुर मेले को लेकर के। हाँ जी। तो यहाँ पे लोग आते हैं वो, मतलब कितने दिन में आप लोग बनाते हैं? लोग यहाँ आप बहुत दूर दूर से आते हैं, लोग बाहर देश वाले भी आते हैं सब यहाँ पर। हाँ, बाहरों से भी आते हैं, सुन सकते हैं आप, यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं और वो भी आकर यहाँ पे बनवाते हैं। अंदर आइए आप देख सकते हैं, अंदर भी मशीन है, यहाँ पे भी 2 मशीन है, यहाँ पे भी 2 कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं। तो अंकल आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग लुधियाना से आए हैं। लुधियाना से आए आप लोग? तो आप लोग मतलब स्पेशली सोनपुर मेला को लेकर के आते हैं? सोनपुर मेला के लेकर आए हैं। आते हैं आप लोग? तो आप लोग यहाँ से बनाते हैं, तो आप लोग किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ये, मतलब पूरे मेले में आप लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते, मतलब देते हैं? हाँ, पूरे मेले में खरीदते हैं लोग। खरीदते हैं पूरे मेले में लोग खरीदते हैं। तो इस बार कैसा है अंकल? हर एक स्टेट के आदमी यहाँ पे, आप सुन सकते हैं हर एक स्टेट से आदमी जो है, नेपाल से भी लोग आते हैं। आप सुन सकते हैं कि भाई बिहार संस्कृति का जो है वो सही में राज माना जाता है। आप देख सकते हैं कि बाहर से ही नहीं, मतलब जो भिन्न भिन्न जो जगह से, आप अंकल कहाँ से आए हैं? लुधियाना से हैं। लुधियाना से, आप भी लुधियाना से आए हैं? तो आप लोग यहाँ पे मतलब विशेष सोनपुर मेला को लेकर के मेला लेकर आए हैं? मेला को लेकर के आप लोग आए हैं। तो मतलब इस बार किस तरीके से जो है आप लोग, इस बार ऐसा कुछ है कि हर बार 2 साल के बाद लगा है इस बार सोनपुर मेला? अच्छा लगा है, अच्छा लगा है इस बार सोनपुर मेला लगा, तो मतलब हो रही है बिक्री, हो रही है बिक्री, हो रही है बिक्री, हो रही है इस बार। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये मशीन, आप एक बार और देखिए, वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये इतने पतले धागों से, आप देख सकते हैं एकदम रेशम का जो धागा बोल सकते हैं वैसा है ये, एकदम पतला सा, उस हिसाब से आप देखिए इस तरीके से स्वेटर जो है वो बन के निकलता है। जो स्वेटर हम और आप पहनते हैं वो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से बनता है। आप देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम जो भी हमारे हैं दर्शक, हम उनसे ये विनती करेंगे, उनसे ये कहेंगे कि आप अगर सोनपुर मेले में आएँ तो आप एक बार यहाँ आकर के ज़रूर
हैंडमेड उलन के जो भी स्वेटर हैं आप वो जरूर बनवाएं। आप क्या कह रहे हैं? आरुषि और राजा बाबू के नाम से है ये दुकान। आरुषि और राजा बाबू के नाम से है ये दुकान, कश्मीरी मार्केट। कश्मीरी मार्केट अंकल, इस दुकान का एक बार नाम बता देंगे वापस से ताकि हमारे दर्शकों के लिए। आइए हम आपको इसका नाम बता दे रहे हैं इस दुकान का, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके इसको दिखाइए। इस दुकान का नाम, इस दुकान का कश्मीरी मार्केट सोनपुर है। आप देख सकते हैं आयुष आरुषि कुमारी राजा बाबू के नाम से ये दुकान है। वहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, आप देख सकते हैं। आप आके इस मेले में हैंडमेड जो भी स्वेटर्स और ये सब होते हैं आप वो बनवा सकते हैं ऑर्डर दे करके। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।